सबसे पहले आज जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है हमारी परपेचुटी, ठीक है ना। सबसे पहले जो चीज़ हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है परपेचुटी। चैप्टर 5 और 6 दोनों एक साथ ही है ना। अब परपेचुटी जो है ना वो दो तरह की होती है, जिस तरह से एनविटी थी ना, एक ऑर्डिनरी एनविटी थी एक एनविटी ड्यू थी, इसी तरह से परपेचुटी में दो टाइप्स हैं। एक है आपकी परपेचुटी ड्यू और एक है आपकी ऑर्डिनरी परपेचुटी। एक है परपेचुटी ड्यू और एक है ऑर्डिनरी परपेचुटी। एनविटी और परपेचुटी में फ़र्क ये है कि एनविटी में जो है वो नंबर ऑफ इयर्स दिए हुए होते थे, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक। परपेचुटी एक ऐसी एनविटी होगी जिसमें नंबर ऑफ इयर्स पर कोई लिमिट नहीं है, व्हेन देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ इयर्स। परपेचुटी क्या होगा, एक ऐसी एनविटी होगी जिसमें नंबर ऑफ इयर्स पर कोई भी किसी किस्म की लिमिट ही ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर लेट से ईयर नंबर 0, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4 और चलता चला जाए। यहाँ पर एक आर है, फिर दूसरा आर है, फिर तीसरा आर है, फिर चौथा आर है, डॉट 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 डॉट। एनविटी में भी आर होता था, यानी कि सेम अमाउंट होता था, लेकिन वो बोलता था 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक। ऑर्डिनरी परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा पी इज इक्वल्स टू आर अपॉन आई। परपेचुटी ड्यू का डायग्राम जो है वो ये नंबर 0 से स्टार्ट होगा, यह 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 3 है, यह नंबर 4 है, डॉट 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 डॉट। यहाँ पर एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर, चौथा आर, पांचवा आर, डॉट 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 डॉट। इस केस में अगर परपेचुटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला होगा पी इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय आई प्लस आर, यानी कि जितने भी आगे अमाउंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होगा ऑर्डिनरी परपेचुटी के केस में आर ओवर आई होगा और परपेचुटी ड्यू के केस में आर ओवर आई प्लस आर होगा। और दोनों में फर्क कहां पर होगा, ये जो पहला वाला आर है इसका फर्क है, परपेचुटी ड्यू में ईयर 0 पर भी एक आर है, ऑर्डिनरी परपेचुटी में ईयर 0 पर किसी किस्म का कोई भी आर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे ही लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट से एक बैंक है, वो आपको बोलता है कि आज आप हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट कर दो, बदले में हम आपको यह नंबर 1 पर, यह नंबर 2 पर, यह नंबर 3 पर, यह नंबर 4 पर हमेशा 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये देते जाएंगे और 10% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। एक बैंक है वो ये कहता है कि आप हमारे पास कुछ पैसे आज जमा कर दो यह नंबर 0 पर और बदले में हम यह नंबर 1 पर, यह नंबर 2 पर, यह नंबर 3 पर, यह नंबर 4 पर हमेशा के लिए 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये देते जाएंगे और 10% का इंटरेस्ट रेट है। अब आपको ये मालूम करना है कि यह नंबर 0 पर
कितने पैसे बैंक में जमा करने पड़ेंगे, तो आपको फ्यूचर में जितना भी अमाउंट मिल रहा है ना, आपको इसकी यह नंबर ज़ीरो की वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। और उसके लिए जो फॉर्मूला है, ऑर्डिनरी परपेचुटी वाला अप्लाई होगा, इसलिए क्योंकि पहला वाला आर यह नंबर वन पर है, दूसरा वाला ये आर यह नंबर टू पर है, और फिर इस आर ये हमेशा चल रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे पी इज इक्वल्स टू आर ओवर आई, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 10%, यानी कि 100। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 10% यानी कि 100, सही है ना, आर ओवर आई। अच्छा, अब ये 100 जो है ना, इसका क्या मकसद है या क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने बैंक पर, अगर मेरा आंसर 100 आ रहा है, तो मैंने बैंक में यह नंबर 0 पर कितने पैसे जमा करे होंगे, 100 जमा करे होंगे। बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना था, तो इसका मतलब 100 का 10% यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। और बैंक ने वादा किया था कि पहले साल के आखिर में हम आपको कितने पैसे दे देंगे, 10 रुपये देंगे ना, हर साल के आखिर में 10 रुपये देंगे, बैंक ने यही वादा किया था ना। तो आपने 100 रुपये जमा करे थे, उस पर 10% के हिसाब से 10 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, 10 रुपये बैंक ने आपको दे दिए, तो बैंक में बैलेंस आपका वापस से कहाँ रह गया, 100 पर। उसके बाद दोबारा से अगले साल 100 रुपये थे, 100 पर 10% का इंटरेस्ट यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट बना, और 10 रुपये आपको पे कर दिए गए, कितने बचे, 100 रुपये। फिर दोबारा से 100 रुपये पर 10% के हिसाब से 10 रुपये का इंटरेस्ट बना, और आपको कितने पैसे दे दिए गए, 10 रुपये, कितने बचे, 100। ऐसा हमेशा के लिए चलता जाएगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट बन रहा है उतना इंटरेस्ट आपको पे हो रहा है। तो जब आपके पास बैंक ये कहता है कि भाई आप मेरे पास कुछ पैसे जमा करवा दो, और बदले में हम आपको जो है ना, वो हर साल के आखिर में 10 रुपये देते रहेंगे, और बैंक ये भी बोलता है कि हमेशा के लिए देते रहेंगे, हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए देते रहेंगे का मतलब ये हो गया कि जितना इंटरेस्ट कमाया जा रहा होगा, वो पूरा का पूरा आपको जो है वो पे ऑफ हो रहा होगा या मिल रहा होगा। क्लियर है, कोई मसला है इसमें? कोई मसला है इसमें? नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद फिर परपेचुटी ड्यू पर आते हैं। परपेचुटी ड्यू में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस यहाँ पर है कि यह नंबर 0 पर भी एक वैल्यू है, यानी कि एग्जाम्पल इस केस में ऐसा हो रहा है, इस केस में ऐसा हो रहा है कि आप जो है, आपको यह नंबर 0 पर यानी कि शुरू में भी बैंक 10 रुपये दे रहा है, ईयर वन पर भी 10 रुपये दे रहा है, ईयर टू पर भी 10 रुपये दे रहा है, ईयर थ्री पर भी 10 रुपये दे रहा है, ईयर नंबर फोर पर भी 10 रुपये दे रहा है, एंड सो ऑन। और आपको जो है ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, पी 10% का रेट है, पी इज इक्वल टू आर ओवर आई, यानी कि 10/10% प्लस 10, प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी, 110 बनेगी, सही है। इस केस में और दूसरे वाले केस में फर्क यह है कि यहां पर बैंक ईयर नंबर 0 पर भी आपको 10 रुपये दे रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ऐसा हो रहा है कि
कि जब आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो वो ईयर नंबर 0 पर कर रहे हो। अच्छा, आप 100 रुपये जमा नहीं कर रहे, कितने कर रहे हो? 110 रुपये कर रहे हो। अब ईयर 0 पर बैंक पे आपने 110 रुपये जमा करे, बैंक ने उसी वक्त आपको 10 रुपये दे दिए। ईयर 0 पर आप बैंक 110 रुपये लेकर गए और उसी वक्त बैंक ने आपको 10 रुपये दे दिए, तब कितने बच गए? 100 बच गए। उसी वक्त 10 रुपये दे दिए ना, बिल्कुल उसी वक्त 10 रुपये दे दिए। 110 में से जब उसी वक्त 10 रुपये दे दिए तो कितने बच गए? 100 बच गए। ठीक है ना। अब जो 100 बच गए, ये नंबर 0 से ये नंबर 1 तक का इंटरेस्ट जाहिर है 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10 रुपये बनेगा और ईयर 1 पर बैंक आपको 10 रुपये दे देता, तो आपका बैंक बैलेंस कहाँ रहेगा? 100 पर। उसके बाद दोबारा से ईयर नंबर 1 और 2 के बीच का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो 10 रुपये बनेगा, 10 रुपये बैंक आपको दे देगा, तो कहाँ पर वापस से आओगे? 100 पर। समझ रहे हो? सिर्फ फ़र्क क्या है? सिर्फ फ़र्क जो है ना वो ये पहला वाला स्टेप है। पहले वाले स्टेप में क्या हो रहा है कि बैंक में जितने पैसे आपने जमा करे उसमें से बैंक ने आपको 10 रुपये दे दिए, क्योंकि ईयर 0 पर ही क्योंकि बैंक आपको 10 रुपये दे रहा है, तो तब तो बैंक ने कुछ जो है वो आप पे आपके अमाउंट पर इंटरेस्ट कमाया ही नहीं था। इसको हम कहते हैं परपेचुटी ड्यू। अब ये एनवीटी से क्यों अलग है? देखो, जब हम एनवीटी की बात करते थे ना तो एनवीटी में नंबर ऑफ ईयर्स की लिमिट होती थी। एनवीटी वाले सवालों में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों की बात हो रही है, ये लिखा हुआ होता था। परपेचुटी के सवाल जो है इसमें देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो लिमिटेड नहीं है। सवाल में ये लिखा हुआ आएगा कि आपने एक बैंक में, फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी परपेचुटी की अगर बात करें, तो सवाल में सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा कि एक बैंक आप जाते हो और बैंक आपको बोलता है कि कुछ अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट कर दो और बदले में हम आपको हर साल 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये देते जाएंगे हमेशा के लिए। नंबर ऑफ ईयर्स पर कोई लिमिट नहीं होगी। या फॉर एग्जाम्पल सवाल बोलेगा कि एक बैंक में आप आज कुछ सर्टेन अमाउंट जमा करवाओगे और बदले में बैंक आपको आज और हर साल के आखिर में 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये देता जाएगा हमेशा के लिए। बताओ कितने पैसे जमा करोगे अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% है? तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है उस पर किसी किस्म की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स स्पेसिफाइड नहीं है। क्लियर है?